वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर किरण व्लॉग्स। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो हम लोगों ने कल किए थे हमारी दिवाली की शॉपिंग। तो मौसी के साथ हम लोग गए थे कुछ ग्रोसरीज भी भरने, जो कि दिवाली के फूड्स रहते हैं, फूड्स आइटम्स, स्नैक्स वगैरह, वो सब बनाने। तो आज से मौसी करे शुरुआत, हम लोग भी कल परसों से कर देंगे, क्योंकि हमारी कल ही हुई है पूरी साफ सफाई अच्छे से। तो हम लोग भी कल या परसों से बनाना स्टार्ट करेंगे, पर मौसी ने आज से स्टार्ट कर दिए। तो अभी हम वहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे व्लॉगिंग की। तो चलो देखते हैं मौसी पहला जो आइटम है दिवाली के लिए वो क्या बना रही है, वहाँ जाकर हम देखते हैं मौसी के घर पे। तो मौसी बना रहे सबसे पहले जो आइटम है दिवाली का वो है शक्कर पारे, जो हम महाराष्ट्रीयन लोगों से कहते हैं शंकर पारे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो मौसी आप बोलते जाओ। मैंने इसमें पहला मैदा ली, मैदा, फिर इसमें पीती शक्कर, पीसी हुई शुगर, हाँ पीसी हुई शक्कर, घी, घी को अपन अच्छे से मिक्स करेंगे, आटे को मिला लेंगे। हाँ। तो यहाँ बनने जा रहे हैं हमारे शंकर पाले का डो। हाँ। शक्कर पारे का। जब तक तुम लोग बंद कर सकते हो, मैं पूरा अच्छे से गुन के लूंगी, जब फिर वापस चालू करूँ। तो उसमें दूध भी डालोगे ना? दूध बाद में ऐड करेंगे, पहला अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिक्स एकदम पूरे अच्छी तरीके से। अब इसमें अपन थोड़ा थोड़ा करके जरूरत के हिसाब से, और फिर ऐसे गुनते मतलब गुन लेंगे अच्छे से, जैसा आप लोगों को लगेगा वैसा दूध डाल के गुनने का। ओके। घी अच्छे से एकदम मिक्स कर, घी एकदम अच्छे से मिक्स होने के बाद। तो अभी पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है घी। हाँ। उसमें दूध भी डाल दिया है। हाँ। अभी जितनी जरूरत होगी उतनी डालकर दूध डालकर गून लेंगे पूरा आटा। हाँ। अच्छे से। हाँ। ओके। खाली 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर अपने शंकर पारे तैयार, मतलब फ्राई करने के लिए। हाँ। थक गए मम्मी, ये आटा गूंदने के टाइम पे ज्यादा लेट लगता है, और अभी सब आदत छूट गई है मेरी ना, नुकसान करती है। तो अभी आटा गूंद के हो चुका है, और जैसे मौसी ने बोली ऐसे अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो फिलहाल अभी इसे ऐसे ही रखते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के ऊपर थोड़ा देर इसे रख दिया था रेस्ट के लिए, और थोड़ा सा ट्राई भी किए, तो देखिए यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। तो अभी दूसरा वाला मौसी स्टार्ट करेगी बेलना, और इसके क्रैक जाते थे, और उसके ऊपर क्रैक आता है बिकॉज ये मैदे का आटा है और इसके अंदर शक्कर वगैरह भी है, इसलिए आप लोगों को साइड के काटना ही पड़ता है। तो हमें इसे जरूरी नहीं कि परफेक्ट गोल करना है, क्योंकि इसे फिर काट कर ऐसे स्क्वायर करना पड़ता है, या फिर काजू कतली शेप भी बोल सकते हो। तो इसके लिए इसे खाली बेल दो, और फिर हम तो यहाँ पर ये क्या यूज कर रहे हैं काटने के लिए, पिज्जा कटर, बाकी आप जो चम्मच आता है स्पून जिससे कटिंग करते हैं उससे भी कर सकते हैं, और हमारे पास ये है तो हम इसे ही यूज कर रहे हैं। मैं तो छुरी से काटती थी। किससे भी कट कर सकते हैं, जिस जो चीज से कट हो सकता है वो चीज हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेल लेते, और इसे थोड़ा मोटा मोटा ही बेलना पड़ता है। तो अभी साइड का सब हटा दिया मौसी ने, अभी इसे बीच में से कट कर देंगे इसी शेप में। तो स्क्वायर शेप, चौकोन हिंदी में, मराठी में चौकोन, मराठी में चौकोन, मराठी में चौकोन, चौकोन हिंदी में चौकोन, और इंग्लिश में स्क्वायर। हम लोग सब भाषा बोलते हैं। अरे यार फिर अभी थोड़ी देर के बाद इसे फ्राई कर देंगे है ना। हाँ, तेल गरम करने रख दिए हैं। अच्छा, मौसी ने तेल गरम करने रख दिए, फिर थोड़ी देर के बाद जब हो जाएगा पेपर वगैरह भर जाएगा तब जाकर फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। कल हम लोग पहला बनाएंगे चकली, तो आज सिर्फ बनने वाली यही शक्कर पारे। कल चकली, फिर मतलब दूसरे फूड आइटम, मतलब चकली, फिर शाम को हम लोग नमकीन शंकर पारे। अच्छा, तो अभी आज के लिए खाली इतना ही है, वो भी हम लोगों ने शाम के वक्त लिया है। हाँ, पर आज दो चीज हुई है आपकी,
ना। तो अभी ये तीसरी वाली स्टार्ट कर दी है, तो ये थर्ड वाली है। सेम प्रोसेस, बेल कर, काट दो, कटिंग कर दो। काजू कतली वाली एक बार ट्राई करने की ना, डायमंड वो मुस्कान आके करेंगे, अभी मैं जाऊंगी ना उधर तलने को। अच्छा ठीक है, हाँ। तो मुस्कान दीदी जब ट्राई करेगी बनाएगी उस वक्त काजू कतली वाली शेप ट्राई करेगी। ओके नो प्रॉब्लम मौसी। तो अभी यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें जो हमने शेप में काटे थे शक्कर पारे तेल में छोड़ रहे और बहुत अच्छे से तेल गर्म हो गया है। देखिए मोबाइल तक भाप आ रही है। पर मीडियम आंच पे है क्या? हाँ मीडियम आंच पर है, तो वरना जल जाएगा ऊपर से अंदर से कच्चा खुल जाते। अच्छा शक्कर पारे पूरा खुल जाता है ऐसे, पूरा आटा एकदम पिघल जाता है गर्म गर्म तेल में। स्लो पे रखेंगे तो कुछ फायदा, इसलिए मीडियम ही रखने का रहता है। अच्छा तो फ्लेम मीडियम पर है। हाँ तो अभी अच्छे से हम कितना मिनट तो भी फ्राई करेंगे? अभी मुझे तो नहीं मालूम, मेरे ब्राउनिश कलर हो गया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना फ्राई करने का। हाँ। तो अभी से देखेंगे कितना टाइम लगता है, हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तो निकाल लेंगे। हाँ, है ना, बस इतने डालने के बाद मिलते हैं आपको मोटे दाने। तो अभी देखिये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सुनहरा रंग आना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा डार्क करेंगे ना, थोड़ा लाइटली एकदम। तो थोड़ा और इसे फ्राई करेंगे, तेल रहता है ना। हाँ। तो अपने आप उसको ये कर फ्राई करता है। हाँ। तो इसलिए ज्यादा उसको लाल नहीं करने का, तो एकदम डार्क भी नहीं करना है थोड़ा। हाँ। मतलब अंदर से पक जाए इतना तो भी मतलब फ्राई करना है हमें। और तो ये अभी लगभग थोड़ा ऊपर का तो हो चुका है, तो अभी ये अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। अभी मम्मी से निकालने वाली है, तो आगे का महक ने बोल दिए। तो अभी इसे निकाल देते हैं तेल छान कर अच्छे से। तो कलर एकदम मस्त लग रहा है मौसी। वाह बिस्किट एकदम, अभी एक क्रिस्पी होना चाहिए, बहुत मजा आएगा खाने। गेली। तो अभी आप देखिए तेल में से निकाल दिया इसे अच्छे से, तो अभी एकदम मस्त दिख रहे, कलर भी एकदम मस्त आया है। और ये अभी गर्म है और इसके अंदर खुद से तेल है, तो अभी और फ्राई खुद से होते रहेंगे अंदर अंदर से। हाँ रखो ना, इसलिए इसे जल्दी निकाल देने का, वरना अगर इसे हम ज्यादा कुक करेंगे फ्राई करेंगे तो बाद में इसका रंग जो है कलर और भी डार्क होता है और अंदर से जल जाते थोड़े बहुत, तो इसे हम थोड़े इसमें ही निकाल देने का। तो अभी इधर और थोड़े डाल दिए। तो जब तक मौसी सब बना लेती है शक्कर पारे, तब तक मैं सोचा थोड़ा नीचे घूम कर आता हूँ, थोड़ा राउंड मारता हूँ, तो चलो नीचे जाते। तो अभी नीचे आ गया हूँ मैं, तो हर्ष और अंश के साथ में आया हूँ। तो अभी अंश को चाहिए रेगुलर यूज के लिए एक लोकल स्लीपर, तो बस वही लेने आए, देखते हैं अभी ये शॉप में आया हम। उसके पापा की जो शॉप है पान की शॉप, उसके बाजू में आए, देखते हैं अभी उसको कौन सी पसंद आती है। दोनों में से देख कौन सी ब्लैक चाहिए तुझे? हाँ दोनों भी अच्छी, अभी रेड वाली अच्छी दिख रही सच्ची में। अंश ये जो तेरे हाथ में है ना ये, हाँ ये अच्छी दिख रही है तुझे, खाली रेगुलर यूज के लिए चाहिए ना ऐसा खेलने मिलने के लिए। तुम ये वाली मस्त दिख रही है अंश, ले ले सच्ची में, खाली तुझे क्रिकेट विकेट खेलने के लिए चाहिए ना। हाँ तो ले ले अच्छी है। तो ले लिया अंश ने स्लीपर, पसंद आए क्या तुझे? अच्छी लगी, तो उसने ग्रे कलर में ले लिया क्योंकि जो ब्लैक में थी उसमें इसके साइज की नहीं थी, तो ग्रे में मिल गई तो वही ले लिए। तो अभी रिटर्न जाते हैं हमारे मैदान में, तो हम तीनों आए थे साथ में, तो अभी रिटर्न जाते हैं मैदान में। A few moments later. So, अभी आ चुका हूँ मैं नीचे से रिटर्न घर पे और अभी करते हैं हमारा डिनर। तो आज भी एक खिचड़ी, तो फिलहाल करते हैं डिनर कम्प्लीट और उसके बाद बैठ जाते हैं ब्लॉग एडिटिंग के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से बनाए शक्कर पारे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी आपको टेस्ट वगैरह जो उसके सीधा दिवाली के दिन करके दिखाएंगे, अभी बस आपको किस मेथड से बनाते हैं वो दिखा रहे हैं। तो आई होप गाइस आप सभी को पसंद आया होगा,
हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।